डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एचआर डिपार्टमेंट के तरफ से पर्सनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर एब्सेंटीज, रिटेंशन, डिटेंशन, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, इसके पहले हम बताएं तो हमने आपको लेक्चर नंबर 62 में बहुत डिटेल में बताया था कि एचआर का रोल क्या होता है। तो एचआर का रोल जो है, बहुत सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फंक्शनल एरियाज हैं, जिसमें खास करके हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है एचआर को, कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, एम्प्लॉय के डाटा रिकॉर्ड ये सब संभाल करके रखना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, जो है स्टाफ और मालिक के बीच एक रिलेशन मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट दोनों सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, स्टाफ का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अर्थात साइकोलॉजिकली अपने एम्प्लॉय को अपने फेवर में करके रखना है, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, हर एम्प्लॉय एक दूसरे के बीच जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करे, आपस में कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई राजनीति ना हो, एक दूसरे का टांग खींचने का काम ना हो, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, इवैल्यूएट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लेना, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसके पोटेंशियल को देखते हुए उसको काम देना, फिर फीडबैक लेना, सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना, फिर उसको एक्सपर्ट बनाना, फिर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी उसको एडजस्ट करते हुए मैक्सिमम आउटपुट लेना, ये सब एचआर का काम है। फिर कंपनी के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना करके सेफ्टी, ये सब जो है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वह है कि एब्सेंटीज। अब एचआर जो है काम करने के लिए आदमी को तो रख लिया और बीच में एब्सेंट हो गया, बिना बताए एब्सेंट हो जाता है, बिना बताए नौकरी छोड़ देता है, या कई बार दो चीज़ होता है, या तो सामने वाला छोड़ देता है या कंपनी वाले टर्मिनेट कर देते हैं उसको, भक्त तेरे को काम नहीं आता है, आजकल खूब होता है। तो रिटेंशन एंड डिटेंशन, दो देर आर टू थिंग्स, ठीक है ना, कि उसको रिटेन करना है अपने को, मतलब कोई अच्छा एम्प्लॉई है, कोई एक्सपर्ट है, काम का है, तो उसको कंपनी के अंदर रखना है हर हाल में, तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो एक कहावत भी है ना, क्या है कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉई, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉई इज द ग्रेट एसेट फॉर कंपनी, कोई भी कंपनी है उसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रेट एसेट है, ठीक है। तो इसेंशियल फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन कि हम अपने एम्प्लॉय को संभाल करके रखें। कभी कभी क्या होता है कि लेबर टर्नओवर कर जाती है, विद्रोह हो जाते हैं, आंदोलन हो जाता है, उसके चलते भी एब्सेंट हो जाती है, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया, कुछ सैलरी वाली इशू आ गई, तो वर्कर्स क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। वर्कर यदि एब्सेंट हो गए तो उसके चलते क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है। बहुत सारी कंपनी अपना काम प्लान करके रखी है कि ये करना है, वो करना है, ये काम उनको देना है, ये काम उनको देना है, तो उसके चलते जो है क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपनी कई बार डिस्टर्ब कर जाती है, कई बार एक दो लोगों के एब्सेंट के चलते, ठीक है ना। और रीजन फॉर एब्सेंटी अभी हम लोग देखेंगे तो वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ध्यान दीजिए कि जो एब्सेंटिज्म का रेट होता है ना, तो बेसिकली डेज लॉस्ट टू द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म रेट जो है, ये जो है एब्सेंटिज्म रेट जो है बेसिकली, तो रेशियो ऑफ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डेज और डे लॉस्ट, डे कितना लॉस हो गया वो नहीं आया, और कितना टोटल नंबर ऑफ डे था, टोटल डे मतलब 365 दिन है साल का, 365 दिन में वो कितना नहीं आया, एब्सेंट हो गया, उसके चलते कितना सारा काम रुक गया। कई बार किसी एम्प्लॉय के चलते वो मशीन ही नहीं चला, क्योंकि वो मशीन का एक्सपर्ट था, दूसरा आदमी चला नहीं सकता है, तो काम ही रुक गया हमारा, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि एक तो होता है सेंक्शन लीव, ठीक ना, वो उसके नियम में है, वो ले सकता है सेंक्शन
लीव, ना? दूसरा होता है एक मेडिकल लीव, कि सामने वाले का हेल्थ खराब हो गया तो ले सकता है, और तीसरा होता है एक अर्न लीव, ये तो लीगल है जिसके चलते वो ले सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो है कंपनी में कल कुछ ज़्यादा काम है यार, बहुत काम करना पड़ेगा, छुट्टी मार लो, तो इसके लिए भी जो है ये भी एक छुट्टी का तरीका है। तो सबसे बड़ा आइए पहले देखने काउजेज ऑफ एब्सेंटिज्म, लोग एब्सेंट होते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले जो है कारण जो है कि मेल एडजस्टमेंट, अर्थात जो है इसके अलावे हम बात कर रहे हैं सब, है ना, कि जो है जो है उसकी काम करने की मनसा नहीं है, या कोई एडजस्टमेंट सही नहीं जम पा रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, या सिचुएशन उसको जो है नहीं अच्छा लग रहा है, कि काम करने का सिचुएशन, या जो है थोड़ा सा कुछ कंजेशन लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कंजेशन है, या इनसेनिशन है, या फास्ट लाइफ है जो है ना, बहुत फास्ट वर्क है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, तो उसके चलते भी जो है सामने वाला कई बार एब्सेंट हो जाता है, है ना। फिर दूसरा आता है अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन। यदि वर्किंग कंडीशन हेल्दी नहीं है तो भी काम करने में कई बार जो है मज़ा नहीं आता है। कई बार क्या होता है, आजकल सोशल एंड रिलीजियस कोई फंक्शन है तो आदमी पहले अपने फैमिली को देखता है, पहले अपने सोसाइटी को देखता है, पहले अपने धर्म को देखता है, काम में बाद में सोचता है। जापान नहीं है कि दुनिया में हम लोग बोलते थे हैं वर्क इज वर्कशिप, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। काम जाए भाड़ में, पहले अपना धर्म कर्म चलते रहना चाहिए, कर्म कांड होना चाहिए, है ना। आप देखिए हम मुस्लिम लोगों को जो है देख लीजिए, फ्राइडे में काम एक तरफ, नमाज एक तरफ। हम इधर आ जाएं, दशहरा दिवाली दुनिया भर के पर्व हैं, काम तो करना चाहिए, है ना, पूजा पाठ भी करना चाहिए, इसमें मना नहीं है, लेकिन काम छोड़ करके तो हर जगह ये समस्याएं हैं, हर सोसाइटी की समस्याएं हैं, तो लोग उसके चलते भी जो है छुट्टी लेते हैं। अब कोई मुस्लिम है तो फ्राइडे को छुट्टी लेगा ही लेगा, है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि पूजा ज़्यादा ज़रूरी है, है ना, कोई व्रत त्यौहार है तो आदमी छुट्टी लेगा ही लेगा। फिर कई बार क्या होता है कि इनएडिक्वेट जो है ना, कंपनी कोई फैसिलिटी देती नहीं है, कभी बैंक जाना है या कोई अपना छोटा मोटा काम है उसके लिए छुट्टी नहीं दे पाई और उसी दिन जाना है, तो उस दिन भी वो जो है वो छुट्टी मार लेता है। फैसिलिटीज नहीं है, उस फैसिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए जो है कुछ लोग तो एल्कोहलिज्म एक आदत ही होती है, एल्कोहलिज्म जो है जिसको एल्कोहलिज्म बोलते हैं, छुट्टी मारने की आदत ही कुछ लोगों की होती है, है ना, वो काम को भूल करके अपना एक जो है मस्ती या डोमेस्टिक मतलब घर परिवार को भूल करके, काम को भूल करके एक अलग ही दुनिया में वो अपना ड्रिंक करके लेटे हुए रहेंगे, तो कि उनको ऐसा लगता है कि एक आध दिन जो है छुट्टी तो मारना ही चाहिए, है ना, तो उस दिन वो मस्ती के लिए पार्टी करेंगे, है ना। यदि लीव पॉलिसी सही नहीं है, प्रॉपर छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो भी आदमी संडे मंडे रोज खाओ डंडे वाली बात है, तो आदमी जानबूझ करके भी एक दो बार छुट्टी मारता है। एक एज फैक्टर भी होता है कि आदमी का एक एज जब ज़्यादा हो जाता है, है ना, तो जो है खास करके जब यंग है तो भी छुट्टी मारता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं है, शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो काहे का खर्चा, दो चार दिन सैलरी कम भी मिलेगी तो काम चल जाएगा। और बहुत जल्दी जो कोई ओल्ड एज है तो भी दिक्कत नहीं है, वो अपना कमा लिया है, शरीर भी कई बार साथ नहीं देता है, तो ये सारी चीज़ें जो है एब्सेंटिज्म के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। इसके बाद यदि हम आते हैं मेजर टू कंट्रोल एब्सेंटिज्म, मेजर, अब एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेजर टू कंट्रोल
एब्सेंटीज्म। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप वर्किंग कंडीशन अपना सुधारिए कंपनी का, वर्किंग कंडीशन सुधारिए। दूसरा है कि जो है ना प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना, जब आप एम्प्लॉई को सिलेक्ट करते हैं उसी समय ये सब कंडीशन रख दीजिए, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आप ध्यान दीजिए। फिर रीजनेबल जो है वेज रेट जो है उस सही दीजिए, वेज या सैलरी शुड बी रीजनेबल। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे लेबर है कंपनी में काम कर रहा है तो एक दिन छुट्टी मारता है तो उसका 500 रुपये तनख्वाह कटता है, और दूसरी जगह काम कर लेता है तो 1000 मिल जाता है, तो क्या है 500 के फायदे में है ना भाई, लॉस तो है नहीं, 500 रुपये और ज़्यादा फायदा मिल गया, इसलिए उसको सैलरी इतना दीजिए उसको छुट्टी मारने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है न, फिर किसी का कोई ग्रीवांसेस है, ठीक ना, कोई शिकायत है तो उसको भी जो है सेटल करना ज़रूरी है, नहीं तो मन में वो गुस्सा पाल लेगा, प्रॉपर जो है ग्रीवांसेस सेटलमेंट। फिर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ये भी एक बहुत बड़ा, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी के मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, इसके चलते भी लोग छुट्टी मारते हैं। ठीक है, दूसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, लिबरल ग्रांट ऑफ लीव, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड प्रोवाइड टू, चाहे कोई छुट्टी मार रहा है तो उससे अल्टरनेट जो है उसकी खाना पूर्ति कब करेगा, जैसे मान लीजिए कि दिन में उसको कोई काम है बैंक में, उसको दे दीजिए छुट्टी, ओवर टाइम वो काम आ करके कर ले, तो इस तरह का डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर है जिसके चलते आप कंट्रोल कर सकते हैं, या एक एम्प्लॉय का जो है ना अटैचमेंट होता है कंपनी के साथ, सबसे बड़ी चीज़ है क्या, अटैचमेंट। जब देखेगा कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद ही छुट्टी नहीं मारेगा। ई रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को आप जो है सिलेक्ट ही मत कीजिए। एक टर्म आता है लेबर टर्न ओवर, ये यूनियन वाले जहाँ रहते हैं ये भी कई बार बदमाशी करते हैं, ठीक है ना, रिटेंशन रेट और डिटेंशन रेट भी निकालते हैं कि कौन एम्प्लॉय कितने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। दैट मीन्स कि लेबर टर्न ओवर मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक साल में कितने लोगों ने कंपनी छोड़ा और कितने लोगों ने ज्वाइन किया। ये छोड़ने वाली घटना जो है बहुत खतरनाक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इससे क्या होता है कि वो फिर कोई पुराना है तो सिस्टम को जानेगा, सिस्टम के साथ काम करेगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करेगा, फिर अब एक नया आएगा फिर वो जीरो से शुरू करेगा। मान लीजिए कोई 3 साल काम किया तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है कंपनी ने जो उसको दिया उसका फायदा कंपनी को ही मिलने वाला है। तो बेसिकली हायर परसेंटेज ऑफ लेबर टर्न ओवर मीन्स द एम्प्लॉयज आर नॉट स्टेबल एंड न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन व्हाइल ओल्ड एम्प्लॉय आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ कंपनी। तो लेबर टर्न ओवर जो है, यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या है, तो बेसिकली नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट इन ए गिवन टाइम अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर एट दैट टाइम इनटू 100, ये परसेंटेज में निकल करके आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी भी झलकती है, जैसे बहुत सारे ISO सर्टिफिकेशन और ये सब करते हैं ना, तो उसमें इसकी रेटिंग भी रहती है। जैसे कॉलेज में आप सुने होंगे ISO सर्टिफिकेशन या NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन आता है, NAC एक्रेडिटेड होता है, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि फैकल्टी कितना फ्रिक्वेंटली इस कॉलेज में ज्वाइन करती है, कितने दिन रह करके छोड़ भी देती है। तो फैकल्टी रिटेंशन रेट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक तो होता है कि टर्मिनेशन बता ही दिया, आजकल दुनिया ऐसे ही है, काम नहीं करेंगे तो कहीं भी लात मार के भगा दिए जाएंगे, तो वो भी एक रीज़न होता है, लेकिन ये रीज़न आप वो नहीं कर सकते हैं कि जो है हम हायर भी करते हैं और फायरिंग करते हैं, नहीं। तो बेसिकली हायरिंग और फायरिंग इसका जो है यहीं से एक जो है वो है, हायरिंग करिए और फायरिंग कीजिए।
फायरिंग कर दिए, 5 लोगों को भगा दिए तो 5 लोगों को हायर कर लिए, क्योंकि बेरोजगारों की तो जो है कमी नहीं है, दुनिया भर के बेरोजगार लोग हैं, लेकिन अपने यहाँ जो बेरोजगार है ना ये स्किल्ड बेरोजगार नहीं है, वो नहीं है, स्किल नहीं है, इसीलिए जो है बेरोजगार है। नहीं तो अच्छे लोगों की भारी कमी है समाज में, लोगों की तो कमी नहीं है लेकिन अच्छे लोगों की भारी कमी है। आप किसी कोर्ट में चले जाइए, काले कौओं को देख कर का वो डर लग जाएगा, बाप रे बाप इतने काले कौए, इतने वकील, लेकिन अच्छे वकील 10% भी आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादातर वकील क्या हैं, एक दूसरे को नोच खाने वाले हैं, भाई भाई को लड़ा करके, पति पत्नी को लड़ा करके, ठीक है ना, अपनी रोजी रोटी सेंक रहे हैं, लेकिन अच्छे वकील की भारी कमी है। तो हर जगह ये है, आप जो है टीचर में भी जाइए, अब दो जगह जो है ना, मैंने आपको बताया ना लेबर ऑफ इफेक्ट ऑफ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। देखिए कंपनी में जो है ना लेबर जो आती है, एक तो वो आती है जिसके अंदर टैलेंट है, दूसरी आती है रिजर्वेशन वाली, हालांकि प्राइवेट में ये कम होता है लेकिन फिर भी जो है रिजर्वेशन, तीसरी आती है रिकमेंडेशन वाली, ठीक है ना। ये दोनों बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि इनको काम आता नहीं है, चाहे रिजर्वेशन से आ गए या रिकमेंडेशन से आ गए, जुगाड़ से आ गए, बड़े लोग हैं, बड़े बाप के बेटे हैं मान लीजिए। टैलेंट वाले तो बेचारे काम करते रहते हैं, ये जुगाड़ वाले प्रमोशन खोजते रहते हैं, इनका 24 घंटा दिमाग इसी में लगा रहता है कि हम ऊपर कैसे चढ़ जाए। तो ये ऊपर क्या करते हैं, चमचागिरी, और नीचे क्या करते हैं, दादागिरी। लेकिन ये बेचारा तो काम करता है, इसके ऊपर ओवरलोड आ जाती है, ओवरलोड आ जाती है तो ये एब्सेंट या छुट्टी मार लेता है कि यहाँ मेरा रिकॉग्निशन नहीं है या हमें कंपनी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को कोई काम तो है नहीं, जो रिजर्वेशन वाले और रिकमेंडेशन वाले हैं, ये क्या करते हैं, इसकी शिकायत करते हैं, इसकी जो है उपेक्षा करते हैं, तो ये कंपनी छोड़ देता है। और इसी चलते बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ डूब गई सिर्फ इन्हीं कारणों से। और भ्रष्टाचार तो है ही जगह जगह, करप्शन तो है ही, लेकिन चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, मेरा काम उसमें जाना नहीं है। तो हम सिंपल एक बात बोले कि टैलेंटेड लोग भी जो है कंपनी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप हायरिंग करते हैं नए लोगों का, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है ना। हायरिंग में आपका जो है ट्रेनिंग में खर्च होगा, फिर वो नया आएगा तो उसको जो है नया स्किल देना, PF काटना इत्यादि जो है, फिर रेट बढ़ते जाता है, नए नए सारे कमीशंस आते जा रहे हैं, तो वो जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है। इससे अच्छा है कि पुराने को संभाल करके रखा जाए, ठीक है। फिर लॉस ऑफ प्रोडक्शन, जो उसको काम करने की आदत थी वो जो है बीच में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत थी ना, तो वो काम फास्ट करता था, यहाँ के हिसाब से वो सेट हो गया था, लोगों से एक कोऑर्डिनेशन उसकी बन गई थी, फिर मशीन इक्विपमेंट को वो पहचान गया था, काम करने का तरीका मालूम हो गया था, कब उसकी मेंटेनेंस करनी है, कब कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है उसको पता था, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए, कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्वालिटी कहाँ पे ज़रूरत है, ये सब चीज़ उसको मालूम हो गया था। लेकिन अब सब चीज़ क्या हो गया, नया वाला आएगा तो फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर क्वालिटी भी हो सकता है कि मेंटेन नहीं कर पाए, प्रॉपर क्वांटिटी भी मेंटेन नहीं कर पाए। फिर सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन शेड्यूल आल्सो, है ना। तो जब हायर लेबर टर्नओवर होगा, नए लोग ज़्यादा आएंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट भी जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कंपनी की। तो कुल मिला करके जो है, बहुत ज़्यादा बताने के बजाय आप अपने मन से लिखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप, लेकिन कुल मिला करके हायरिंग बहुत सोच समझ के कीजिए और फायरिंग बिल्कुल रोक दीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायरिंग अच्छी बात नहीं है। हाँ, काम लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाइए कि काम करो, नहीं करता है तो उसके पीछे का कारण उससे जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि फायरिंग नहीं करना पड़े। फायरिंग करने से कंपनी की भी बेइज्जती होती है और जो है कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो है बहुत अच्छा टॉपिक देखे हम लोग कि एब्सेंटिज्म, रिटेंशन, डिटेंशन, हायरिंग, फायरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि लीव, अब यहाँ हमको वो नहीं था कि लीव जो लीगल लीव है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉय का अधिकार है वो तो है, उसके अलावा यदि छुट्टी लेता है बार बार कोई एम्प्लॉय, तो
उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं वो हमने बताए। लेकिन कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, क्योंकि ये सब चीज़ हमने आपको बताया कि यदि एब्सेंटिज्म को कम करना है तो वर्किंग कंडीशन अपना सही कीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह अच्छा दीजिए, कोई शिकायत है, गिला शिकवा शिकायत है तो उसको सुनिए, समाधान उसका ढूंढिए। जो है इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो भी जो है वो हानिकारक है, आदमी जो है एक्सीडेंट के डर से भी काम नहीं करता है, बहुत आदमी सेना में नहीं जाते इसलिए क्योंकि पता नहीं कब गोली लग जाए। आजकल तो सिचुएशन सही हो गया है, नहीं तो आज से 10 साल पहले आतंकवाद इतना चरम पे था कि सेना में लोग जाने से डरते थे, ऐसा होता था कि जाएंगे तो पता नहीं कब निपट जाएंगे। लेकिन अब वो सिचुएशन थोड़ा सा, फिर एक अटैचमेंट, एक लगाव होता है, सेना का क्या है, देश के प्रति लगाव है, वो अपना जान जोखिम पे डाल करके भी जो है काम करता है। तो ये सब कुल मिला करके अपने को ध्यान देना है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहे, लंबे समय तक काम करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय इज द ग्रेट एसेट फॉर कंपनी। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल दी